दोस्तों नमस्कार, मैं सतीश शर्मा जाफरावादी, आप देख रहे हैं जागो हिंदुस्तान। यमुना विकास प्राधिकरण की एक अपडेट है। यमुना विकास प्राधिकरण की सर्विस रोड 60 मीटर सर्विस रोड जो यमुना विकास प्राधिकरण क्षेत्र से जेवर एयरपोर्ट, जेवर कस्बे और आसपास के गांव तक जाएगी, प्राधिकरण ने दावा किया है जनवरी तक यह सड़क पूरा कर देंगे। यानी जनवरी के बाद इस क्षेत्र के लोगों को बिना यमुना एक्सप्रेसवे पर टोल दिए यात्रा करना आसान रहेगा। क्या है आजकल इस जमीन की स्थिति, जहां पर यह सर्विस रोड बन रही है कहां कहां रुकी है यह सर्विस रोड और क्या है दोस्तों इस संबंध में पूरा अपडेट, आइए देखें पूरी रिपोर्ट। ये यमुना विकास प्राधिकरण की 60 मीटर चौड़ी सर्विस रोड है जो यमुना विकास प्राधिकरण के क्षेत्र से जेवर एयरपोर्ट तक जाना प्रस्तावित है। वर्षों से इस सड़क पर काम चल रहा है। लगभग 30 किलोमीटर लंबी सड़क बन भी चुकी है, लेकिन ये सड़क चार स्थानों पर रुकी पड़ी है। किसानों के हाई कोर्ट में केस डालने के कारण या फिर प्राधिकरण के अफसरों की लापरवाही के चलते यह सड़क रुकी पड़ी है। सबसे पहले यह सड़क दनकौर कस्बे में ही रुकी पड़ी है। द्रोणाचार्य गेट के सामने ये सड़क रुकी पड़ी है। आप देख रहे किस तरह से यहाँ झाड़ियाँ उग आई हैं। आगे सड़क बिल्कुल अवरुद्ध है, यानी दनकौर कस्बे से आगे जाना इस सड़क मार्ग पर बिल्कुल मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और आगे इस सड़क पर दनकौर कस्बे का पानी, गंदा नाला बह रहा है। जिस भूमि पर 60 मीटर चौड़ी सड़क बननी चाहिए थी उस सड़क पर कस्बे की गंदगी बह रही है। यहाँ पर भी यह सड़क मार्ग बिल्कुल अवरुद्ध है। आप देख सकते हैं किस तरह काली नदी बन गई है। पूरे दनकौर कस्बे का गंदा पानी इस सड़क के जमीन पर बह रहा है। दनकौर से आगे चलते हैं तो 20-21 सेक्टर वाली जो रबूपुरा जाने वाली सड़क मार्ग है उससे पहले यह सड़क रुकी पड़ी है। किसान का आबादी का प्रकरण के प्राधिकरण सुलझा नहीं पाई है, जिसके चलते किसान हाईकोर्ट चला गया है और वहां पर सड़क का काम वर्षों से रुका पड़ा है। यहां पर गहरे गड्ढे हो गए हैं, लोग परेशान हैं, आए दिन यहां पर दुर्घटना हो रही है। इससे आगे नारायणा पब्लिक स्कूल के पास भी यह सड़क रुकी पड़ी है और सेक्टर 2829 नगला हुकम सिंह गांव से आगे जेवर एयरपोर्ट यानी साबोता गांव की सीमा तक यह सड़क मार्ग बिल्कुल बंद है। इस पर कोई काम नहीं हुआ है। अब प्राधिकरण के अफसर कह रहे हैं कि जल्दी ही सड़क पर काम शुरू करेंगे, जनवरी 2024 तक इस सड़क को पूरा कर दिया जाएगा। यह प्राधिकरण के अफसरों का दावा है। अब देखना यह है कि प्राधिकरण के अफसर किस तरह अपने इस वादे को पूरा कर पाएंगे। दोस्तों लगातार हम आपको जेवर एयरपोर्ट, यमुना विकास प्राधिकरण और एनसीआर के डेवलपमेंट की खबरें दिखा रहे हैं, आगे भी दिखाते रहेंगे, ये हमारा वादा और भरोसा है। एक निवेदन आपसे करना है दोस्तों, हमारा व्हाट्सएप चैनल है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन है, प्लीज फॉलो कर हमें सहयोग करें। और दोस्तों लगातार देखते रहें निष्पक्ष खबर, खुली पड़ताल, जागो हिंदुस्तान। सतीश शर्मा जाफराबादी के साथ नमस्कार।